हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बनाएंगे लेयर टूनिक टॉप। इसे आप जींस के साथ पेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रेंडी टॉप है और इसका लुक भी यूनिक आता है। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने इस फैब्रिक को फोर फोल्ड किया हुआ है। इसकी ब्रॉडनेस मैंने ली है 15 इंचेस और इसकी लेंथ मैं लूँगी 35 इंचेस। ये मैं सबसे पहले बड़ी वाली जो हमारी लेयर है इसे कट करूँगी। तो शोल्डर में लूँगी 7 इंचेस। आर्महोल में लूँगी 9 इंचेस क्योंकि यहाँ पे मैं ऊपर से लूज़ फिटिंग वाली टॉप बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आर्महोल 9 इंचेस लूँगी। अब यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट पार्ट। तो चेस्ट पार्ट में लूँगी 11 इंचेस। आपका जो भी साइज़ है उसको डिवाइड बाय 4 कीजिए और उसमें 2 इंचेस सिंगल आर्म्स के लिए ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया मेरा चेस्ट पार्ट। अब मैं ऊपर से कमर की लेंथ लूँगी। तो यहाँ पे मेरी कमर की लेंथ है 15 इंचेस, तो मैं 15 पे मार्क करूँगी। अब यहाँ पे मैं लूँगी कमर की ब्रॉडनेस, वो है मेरी 10 इंचेस। अब ऊपर से हम हिप्स की लेंथ लेंगे। तो हिप्स की लेंथ है मेरी 20 इंचेस और हिप्स की ब्रॉडनेस मैं लूँगी 12 इंचेस। अब इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लूँगी। अब मैं इसे हमारे जहाँ पे लेंथ खत्म होती है वहां तक इस तरह से स्लैंट में एक्सटेंड कर लूंगी। अब यहाँ पे हम नेक पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो नेक की ब्रॉडनेस में लूंगी 3 इंचेस और लेंथ भी मैं लूंगी 3 इंचेस और मैं बैक की लेंथ लूंगी 2 इंचेस। तो इसी तरह से मैं दो नेक ड्रॉ कर लूंगी राउंड शेप देते हुए। इन दोनों को मिला के मैंने ये नेक ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे मैं शोल्डर वाला जो हमारा पॉइंट है वहाँ से एक्सटेंड करूँगी और स्लीव्स बनाऊँगी। तो यहाँ से मैं 7 इंचेस पे मार्क करूँगी। तो यहाँ पे हम स्लीव्स को अलग से कट नहीं करेंगे, बस जो हमारा शोल्डर का पॉइंट है उसे हम एक्सटेंड कर लेंगे। और स्लीव्स की ब्रॉडनेस मैं लूँगी 8 इंचेस। अब मैं ऊपर से 1/2 इंच डाउन पे एक मार्क करूंगी और इस पॉइंट को मैं ये शोल्डर वाले पॉइंट से मिला दूंगी। तो इसी तरह से स्लैंट में इसे ज्वाइन कर लेना है और जो हमारा चेस्ट वाला पॉइंट है इसे भी हम इस तरह से राउंड शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं कट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है। अब मैं अंदर से एक पार्ट को निकाल दूँगी। जो पार्ट निकालूँगी वो होगा मेरा बैक का पार्ट। अब मैं फिर से इसे 2/4 में अरेंज कर दूँगी और जो हमारा नेक था उसे कट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है। इसी तरह से मैं दो और पीसेस कट करूंगी सेम साइज के। तो ये देखिए मैंने सेम वही मेजरमेंट के दो पीसेस कट कर लिए हैं, बस मैंने इसकी लेंथ चेंज की हुई है। तो इसकी लेंथ मैं बता देती हूँ आपको कितनी ली है। तो इसकी लेंथ मैंने ली है 28 इंचेस। तो ये मेरी छोटी वाली लेयर के लिए मैंने दो पीसेस कट कर ली है फ्रंट और बैक के लिए। अब इसे मैंने उल्टा रखा है, इसके ऊपर मैंने जो छोटी लेयर है उसको भी उल्टा रखा हुआ है और यहाँ पे मैं पूरे नेक में सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से मैंने बैक को भी अरेंज किया हुआ है और यहाँ पे मैं नेक पे सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं यहाँ पे नॉचेस लगाऊंगी।
नॉचेस लगाने के बाद जो हमारी छोटी वाली लेयर है उसे मैं राइट साइड पे टर्न कर लूँगी। तो इसी तरह से आपको बैक को भी प्रिपेयर करना है। तो ये देखिए मैंने टर्न कर लिया है, इसी तरह से आपको बैक को भी बनाना है। तो ये देखिए मैंने दोनों बना दिए हैं। अभी मेरा राइट पार्ट है उसके ऊपर मैं बैक को उल्टा रखूंगी और दोनों को मिला के मैं शोल्डर फिटिंग करूंगी। तो दोनों शोल्डर्स को मिला के हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने शोल्डर फिटिंग कर ली है और इसे मैंने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो दोनों लेयर्स को साथ में आपको डबल फोल्ड करना है रॉन्ग साइड पे और सिलाई लगानी है। यहाँ पे पूरी लेंथ में सिलाई लगानी है और इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स की बॉर्डर भी फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद मैंने इस तरह से एक स्ट्रिप कट की हुई है, इसकी लेंथ मैंने ली है 6 इंचेस और इसकी ब्रॉडनेस मैंने ली है 56 इंचेस। अब मैं इसे रॉन्ग साइड पे फोल्ड करूंगी, इस तरह से अच्छे से इसे फोल्ड करना है रॉन्ग साइड पे। अब मैं इसे सेंटर में एक मार्क करूंगी। तो ये मैंने सेंटर पे मार्क कर लिया है। अब सेंटर पे मैं 7.5 पे रखूंगी और दोनों तरफ मैं 7.5 का मार्क कर दूंगी। तो इसी तरह से मैंने 15 इंचेस का इस तरह से मार्क कर लिया है। अब यहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ से आपको पूरे में यहाँ पे आपको राउंड शेप देते हुए सिलाई करनी है। यहाँ पे मैं इस तरह से राउंड शेप दूंगी और इसी तरफ भी आपको इसी तरह से सिलाई लगानी है। इतना हिस्सा में सिलाई नहीं लगाऊंगी, इतना पार्ट में ओपन रखूंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। जो बीच का हमने जो मार्किंग की थी उतना हिस्सा में ओपन रखूंगी। तो ये देखिए मैंने लगा दी सिलाई। अब जो पार्ट हमारा ओपन था वहां से मैं इसे रॉन्ग साइड राइट साइड पे टर्न कर लूंगी। तो इसी तरह से दोनों साइड पे आपको राइट साइड पे इसे टर्न कर लेना है। इसी तरह से दूसरा एंड भी मैं राइट साइड पे टर्न कर लूंगी। तो ये देखिए मैं राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब इसे हम बैक साइड में अटैच करेंगे। तो जहाँ से हमने शोल्डर फिटिंग की थी उसके 1 इंच अंदर से मैं इसे लगाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैं इसे लगाना स्टार्ट करूँगी और पूरे बैक के नेक में इसे इस तरह से मैं जो हमारी एक एंड है इसे मैं इस तरह से लगाऊंगी। यहाँ तक मैं इसे इस तरह से सिलाई करूँगी। तो ये मैंने एक साइड पे सिलाई लगा दी है। ये देखिए मैंने एक साइड पे सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा दूसरा एंड है उसे मैं इस तरह से फोल्ड करके एक छोटा सा फोल्ड करके रॉन्ग साइड पे इसे सिलाई लगा दूंगी।
तो इसी तरह से ये इसके साथ फिक्स हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने ये लूज कॉलर बनाया हुआ है, ये है मेरी बैक साइड और ये इस तरह से अंदर से भी इस तरह से दिखेगा। और जो हमारे एंड है ओपन एंड, उसे मैं इस तरह से टाई करूँगी, तो इसे इस तरह से आप टाई कर सकते हैं। अब हम जो पहली लेयर थी उसे डबल फोल्ड करेंगे रॉन्ग साइड पे, तो ये आपको फिटिंग करने से पहले इसे डबल फोल्ड करना होगा। तो मैं इसे रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से आपको बैक की लेयर भी डबल फोल्ड करनी है। अब मैं फिटिंग के लिए इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर दिया है। तो यहाँ पे मैं चेस्ट पार्ट लूँगी 20 इंचेस। मैं यहाँ पे चेस्ट पार्ट में थोड़ा लूज फिटिंग करूँगी, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 20 इंचेस। आपकी जो भी साइज़ है उसको हाफ कीजिए और उसमें 2 इंचेस ऐड कर दीजिए। और ऊपर से मेरी कमर की लेंथ है 15 इंचेस और कमर की ब्रॉडनेस मैं लूँगी 16 इंचेस। मैं सिर्फ चेस्ट पार्ट में इसकी लूजिंग रखूँगी और कमर की ब्रॉडनेस में वही रखूँगी। अब यहाँ से मैं इस तरह से इसे ज्वाइन कर लूँगी, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं यहाँ तक स्लीव्स तक इसकी फिटिंग कर दूंगी। यह है मेरी स्लीव्स की ब्रॉडनेस। अभी इस पॉइंट को मैं नीचे तक एक्सटेंड कर दूंगी और इस पॉइंट को भी नीचे तक मैं 1 इंच के डिस्टेंस पे एक्सटेंड कर लूंगी। तो यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और इसे राइट साइड पे टर्न कर दिया है। अब मैं नीचे की बॉर्डर फोल्ड करूँगी, तो इसे भी मैं रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड कर लूँगी और पूरी लेंथ में सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरह से मैंने टॉप बनाया हुआ है। इसी तरह से मैंने लूज कॉलर बनाया हुआ है, इसे हम टाई कर सकते हैं। तो गाइज हमारा लेयर ट्यूनिक टॉप बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना डिफरेंट और यूनिक आ रहा है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो गाइज अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।